जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपका लेकर आया हूं वो है एक कदम सफलता की ओर, यानी कि आयत और वर्ग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिए अपना और ध्यान से स्टडी करिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो हमारा है और किसी का नहीं है, क्योंकि हमें नौकरी किसी से लेनी नहीं है, छीन कर लानी है अपने लिए, अपने घर के लिए। तो फटाफट हम इस क्वेश्चंस के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बेस्ट क्वेश्चंस के साथ लेकर आया हूं आयत और वर्ग के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हमारी प्रमोशंस का है, जो कि एप्टीट्यूड क्लासेस हैं, जो कि आप 1500 रुपए में ले सकते हैं 6 माह के लिए, और कॉल कर सकते हैं 9817269053 पर संपर्क करके। हिमाचल पुलिस, पटवारी, एसएससी, जीडी और अग्निवीर, जिसमें इकट्ठी कंबाइन स्टडी करवाई जा रही है 1500 रुपए में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फटाफट अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो भी आपको क्वेरी रहती है कॉल करिए, फटाफट हमारे साथ जुड़िए और विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को डाउनलोड करिए और इससे अपना बैच जो है वो सुनिश्चित करिए कि आपको कौन सा बैच लेना है। तो फटाफट समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट जुड़ जाइएगा। आयत और वर्ग से जुड़े हुए प्रश्न है, तो किस प्रकार से होंगे जल्दी से ट्राई करें। बहुत ही सिंपल सा है। मैंने लास्ट वीडियो, अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो को साथ में देख लीजिएगा। आयत के बारे में मैंने पढ़ाया है और वर्ग के बारे में भी पढ़ा रहा हूं, साथ में ही आयत और वर्ग दोनों पढ़ाए हैं। बट अब दोनों के सवाल जुड़े हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 तथा 30 है, इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है। बहुत ही सिंपल सवाल मेरे प्यारे पुत्रों। देखिए, एक आपका ये आयतकार वर्ग है, मतलब एक स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल है, जिसकी 35 और 30 मीटर के हिसाब से जो है लेंथ ब्रेथ दी गई है। अब इसमें कहा है कि आपको 5 मीटर के हिसाब से, जैसे कि यहां से और यूं करके आपको क्यारियां बनानी है। एक क्यारी जो है वो 5x5 की होनी चाहिए। जैसे एक क्यारी छोटा प्लॉट बनाना है, उसका प्लॉट का जो साइज है वो 5 मीटर भुजा वाला होना चाहिए, वर्गाकार। वर्गाकार मतलब यानी कि स्क्वायर में। तो किस प्रकार से बना सकते हैं, ये सवाल है। या आप ये भी समझ सकते हैं कि एक कमरा है, कमरे में का क्षेत्रफल इतना है, और या क्षेत्रफल नहीं दिया है, उसकी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, और उसमें टाइल लगानी है 2x2, यानी कि 2 फुट 2 फुट की, 2 फुट चौड़ी और 2 फुट ही लंबी। तो किस प्रकार से लगा सकते हैं, यानी कि कितनी टाइलों की आवश्यकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इसी क्वेश्चन पे डिपेंड है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके पास क्षेत्रफल दिया हो तो आप जो टाइल का क्षेत्रफल है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो पूरी टाइलों की क्वांटिटी आ जाती है। पुलिस में और आर्मी अग्निवीर में पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे यूं पूछ लिया हो तो कुछ नहीं है, 35 गुना 30 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये रेक्टेंगल हो गया, और 5x5 क्योंकि वर्ग 5x5 का है, तो 5x5 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 35 गुना 30 बटा 5x5 था, तो यानी कि 25 भी कर सकते हैं। अगर नहीं समय वेस्ट करना तो ऐसे नहीं है, तो जल्दी से 5 × 5 5 × 30 5 × 5 5 × 35 और 6 × 42 यानी कि टोटल जो है कितनी क्यारियां बनाई जाएंगी, 42 क्यारियां बनाई जाएंगी। कितनी क्यारियां बनाई जाएंगी बच्चों, 42 क्यारियां जो है वो बनाई जाएंगी। फटाफट नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में क्वेश्चंस को परफेक्ट कर लीजिएगा अपने साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर
फटाफट आपको क्लियर हुआ है, मैं फिर से समझा देता हूं कि एक वर्गाकार था उसके अंदर क्यारियां बनानी थी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। किसी कमरे के फर्श का माप इतने बाय इतने है, यानी कि इतना एक फर्श है वो 10 मीटर लंबा यानी कि 8 मीटर चौड़ा है, इसमें पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइन बनाए जा सकते हैं, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर में कितने डिजाइन बनाए जा सकते हैं, कैसे हो सकता है? क्वेश्चन बहुत ही इजी है। वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब होता है डिजाइन में अधिकतम माप का। तो कैसे होगा अधिकतम माप का, यानी कि डिजाइन निकालना है तो अधिकतम बोला है ना, मैक्सिमम बोला है, तो आपने क्या करना है 10 और 8 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इस एचसीएफ की जरूरत क्या है, यहां पर मुझे डिजाइन लगाना है, जैसे मान लो यहां पर, यहां पर। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि साइज क्या रहेगा, बड़ा सा बड़ा साइज जो इसको 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 पूरे फिट आ जाए पूरा का पूरा, अब मुझे पता नहीं है। तो हर बार हम ना एचसीएफ निकालते हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि दोनों टेबल देखिए, ये भी 10 जो है, यानी कि मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं, 5 × 10 और 2 × 4 × 8, ठीक है। अब दोनों का कंबाइंड क्या आया, 2, इसलिए मैंने एचसीएफ क्या लिया, 2। तो इससे मुझे ये पता लग गया कितने वर्गाकार की जो है वो लेनी है, 2 × 2 की बनेगी, ठीक है। अब हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर। अब कितनी बनाए जाएंगे, तो 10 × 8 और टाइल का या डिजाइन का वर्गाकार कितना आ गया, 2 × 2, तो 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 10 × 2 = 20। तो कितने डिजाइन बनाए जाएंगे बच्चों, टोटल 20 डिजाइन बनाए जाएंगे, ये इसका हल होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका है, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, मतलब एक आयत है और एक वर्ग है, इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वली है, ठीक है। आयत की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 80 मीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें, यानी कि वर्ग की साइड ज्ञात करनी है, फाइंड आउट, क्योंकि इसकी जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो बहुत ही सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसका रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई होगी 90 और ये होगी 80, लंबाई होगी 90 और ये होगी 80, ठीक है, 8 × 9 = 72, 100 हो गया। ये टोटल क्षेत्रफल निकल गया है कि कुल क्षेत्रफल जो है आयत का कितना हो गया, 7200 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 7200। एक सबसे अच्छी बात सुनाता हूं वर्गाकार की, कि इसकी चारों भुजाएं जो होती है ना वो बराबर होती हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, इसकी जो भुजाएं हैं यानी कि साइड्स हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इसकी साइड्स इक्वल होती हैं, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इसकी साइड अगर एक्स है तो ये भी एक्स हुई, ओके। तो इसके क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग के स्क्वायर के क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। और हमने जो है, हम पता है कि इन दोनों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है, तो इसलिए ये आ गया 7200 के बराबर। ये स्क्वायर जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 7200। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब 7200 का जो है आपने क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। अब क्या होगा इसका वर्गमूल, अब मैं बोलूं तो आपको टेबल आने चाहिए या वर्गमूल निकालना आना चाहिए, नहीं है तो मेरा एक तरीका यह भी है, 3600
गुणा दो 7200 और 3600 का कितना होता है 60, तो आंसर आ गया 60 वर्गमूल 2, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप थोड़ा थोड़ा मेरा सभी वीडियोस को देखिए और इनसे आप जो है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि क्षेत्रफल से जुड़े हुए क्वेश्चंस के फाड़े कर दो भैया और इसको बेस्ट अपना जो है एक चैप्टर बना लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 25 मीटर तथा 20 मीटर चौड़े आयतकार खेत से बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन क्यारी वाले क्वेश्चन की तरीके से, एक आ गया यूं करके, अब बोला है एक 25 मीटर एक 20 मीटर है, अब इसके अंदर बनाने हैं बाड़े यानी कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाड़े बना देने, प्लॉट ही समझ सकते हो, तो कैसे बनेंगे, वही आ गया कितने बनेंगे, कितना होगा क्षेत्रफल, कितना होगा, सिंपल सा सवाल है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एरिया निकालेंगे, किसका, पूरे रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो कितना कैसे निकालेंगे, एक का है 25 ठीक है, दूसरा है 20, अच्छा इसका सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया ही पूछा है, कुछ भी नहीं है, बड़े से बड़े वर्गाकार, हाँ बस हो गया, एक ही पूरे का ही हम इकट्ठा ही बना देंगे, 25 गुणा 20 तो कितना हो गया, 25 दुनी 50 तो 500, कितना हो जाएगा 500 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, ये आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है इसका, ठीक है भैया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और अगला क्वेश्चन आ गया है आपके पास, एक आयतकार प्लॉट की लंबाई, प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, ठीक है, यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तैयारी से तो ये क्वेश्चन जो है ये पुराना क्वेश्चन आ चुका है, मैं इतनी देर ये देख रहा था, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा है, तो ये आयत पर है, वर्ग पर से नहीं जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो और भी देख लेता हूं, बस ये लास्ट क्वेश्चन ही है, कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बोला है एक आयतकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी परसेंट ज्यादा है, 60%, यानी कि लंबाई L इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस ब्रेथ का 60% का 60% है, यानी कि इक्वल टू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू 60/100, ठीक है, जीरो से जीरो गया तो कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो गया तो कितना आ गया, B प्लस B इंटू 0.6, दोनों को अगर हम प्लस करते थे तो 1.6B हो जाएगा, ये लेंथ हमारी निकल गई, लेंथ कितनी आ गई 1.6B के बराबर आ जाएगा, ये हमारा होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद आगे बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 24 ज्यादा है, यानी कि L माइनस B इज इक्वल टू 24, मगर L की वैल्यू कितनी है 1.6B, तो 1.6B माइनस B इज इक्वल टू 24, अब ये इससे लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा फिर से 0.6B इज इक्वल टू 24, 6/10B इज इक्वल टू 24, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 24 इंटू 10/6 और 6 × 6 = 24, तो B इज इक्वल टू 40, ब्रेथ कितनी आ गई 40 आ गई, बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, ब्रेथ 40 आ गई है,
अब लेंथ निकालनी है तो ब्रेथ की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू 1.6 इंटू 40 है, यानी कि 10 इंटू 40 न्यू कर लो, पॉइंट हटा दिया 40, जीरो से जीरो गया और 16 चौके चौट, ठीक है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 64। इसके बाद उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, क्षेत्रफल पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, क्षेत्रफल। तो हमारे पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 64 इंटू 40, तो जीरो ये आ गया, 4 चौके 16, 1 6 चौके 24 और 1 25, तो ये इसका क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न होंगे। आप इस क्वेश्चन को दोबारा भी देख सकते हैं, हमारी लास्ट वीडियो में भी आया था ये क्वेश्चन, और अब फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। तो आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ इसी चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो आप इसको, मैं ये कहूंगा कि नोट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, टाइप्स वाइज आपको सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे अपनी एप्लीकेशन इसी पे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।